बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपको डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कंटेंट दें, लेकिन बाज़ औक़ात आप फंस जाते हैं और आपको देना पड़ता है मालूमात के नाम पे। अगर कोई वेट कर रहा है, अगर हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते। आज मेरा प्रोग्राम बहुत ही बड़े प्रोग्राम के साथ था। कनाडा के दो बड़े प्रोग्राम आए हैं, दो सूबे हैं जो बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के प्रेशर की वजह से मैंने उस वीडियो को रोका है। जो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जो चैनल पर दोबारा आएंगे, वो मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूं अगली वीडियो मेरी वो देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको देने लगा हूं आपकी हजारों लोगों की फरमाइश के ऊपर, प्रेशर के ऊपर ये वीडियो, जिसमें आपको मैंने इन्फॉर्म करना है कि जो रशिया है उसका विजिट वीजा का मुकम्मल प्रोसेस क्या है, इंक्लूडिंग फीस, इंक्लूडिंग सबमिशन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और गारंटीड वीजा कैसे मिल सकता है, ठीक है ना, श्योरिटी से कैसे मिल सकता है वीजा, ये बात करनी है। बिजनेस वीजा है या स्टूडेंट वीजा है या वर्क वीजा है, जो भी है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो कोई सवाल रह ना जाए, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है। आप लोगों के व्हाट्सएप लेट मिल रहे हैं, आपको मिलते सबको हैं, लेट मिल रहे हैं आपको, आप प्रॉम्प्ट रिप्लाई मांगते हैं, या आप कॉल जो करते हैं कभी कभार उठाया नहीं जाता फोन, तो रश इतना है, हजारों लोगों का रश होता है, और स्टाफ जो है अपनी अच्छी एफर्ट कर रहा है, मगर बहरहाल 100% नहीं दे सकते हम लोग। तो लिहाजा अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो वही वो सवालात हैं जो टेलीफोन पे आप मांग रहे हैं या व्हाट्सएप पे मांग रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को एंड तक पूरा देख लेंगे तो सारे सवालात के सब जवाब दूंगा, क्योंकि आपके जो हजारों सवालात हैं ज्यादातर वही हैं जो इस वीडियो में भी कवर होंगे, पहले भी कवर हुए हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं ऑफिशियल लिंक के जरिए कि ये रशिया का विजिट वीजा जो है वो कैसे अप्लाई होगा। इसमें आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि रशिया का विजिट वीजा जो है ये कैसे मिलेगा। इसमें दिमाग में रखिएगा कि हर वीजे को अप्लाई करने का तरीका होता है। यूएसए का अपना वीजा है, शेंजन का अपना वीजा है, और इस तरीके से कनाडा का अपना सिस्टम है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का अपना सिस्टम है, इस तरह रशिया का अपना सिस्टम है। उसको आप ये नहीं कह सकते मुश्किल है, आसान है, वो डिफरेंट है, ठीक है ना, वो ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा क्यों है? और जब मेरी बात हुई रशियन एम्बेसी से, तो मैं किसी और वजह से बात कर रहा था उनसे, तो मैंने कहा कि जी मैं ये कॉन्टेंट देने जा रहा हूं, तो उन्होंने जो प्रीवियस हमारी वीडियोज आई थी वो तकरीबन 2 लाख टच कर रही हैं, दो वीडियोज। तो जाहिर बात है कि 2 लाख वीडियोस टच करेंगी और वो डिफरेंट सोशल मीडिया पे गई हैं, तो ओवरऑल जो एस्टिमेट लगाया गया है वो तकरीबन 5 लाख को टच किया है। तो रशिया में वो एम्बेसी को तो कान खड़े हो गए उनके, क्योंकि उन पर प्रेशर आता है। तो उन्होंने कहा कि इस कंटेंट को जिस तरह मैंने बताया उनको, कहते हैं उस तरह मत बताइएगा क्योंकि मिस यूज हो सकता है, तो आपने जिस तरह बताना है वो हम आपको गाइड कर देते हैं, वैसे कर दीजिएगा। तो मैं उनकी हेल्प से आपसे बात कर रहा हूं ताकि उनको परेशानी ना हो, क्योंकि वही अप्लाई करें जो जेन्युइन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना, फेक अप्लाई ना हो। फेक अप्लाई का मतलब मेरा क्या है, जिन्होंने अप्लाई करना ही नहीं था वो भी ये वीडियो देख के अप्लाई करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जेन्युइन लोग चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ रहस्य को दिमाग में रखें, क्योंकि उनको भी बुरा लगता है कि लोग हमें यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? देखिए, रशिया का विजिट वीजा जो है वो मिसयूज होता क्यों था या क्यों है, वो इसलिए यूज होता है क्योंकि, और ये सख्ती जो आई है ये क्यों आई है, क्योंकि उनके बॉर्डर्स जो है ना बहुत फैले हुए हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं जाकर तो वो अलास्का से लग रहा होता है। अलास्का पहले रशिया का हिस्सा था, अब अलास्का जो है वो अमेरिका का हिस्सा है, इस तरीके से ये अमेरिका से लग रहा होता है, लेकिन वो लोग टारगेट नहीं कर रहे होते। लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि वो ठंडा बहुत है, लोग टारगेट करते हैं शेंजन एरियाज को, लोग टारगेट करते हैं बेलारूस के रास्ते पोलैंड को, लोग टारगेट करते हैं शेंजन एरिया को, ठीक है ना, आयरलैंड है, बाकी जो पूरी पट्टी आती है तो उसको इस्तेमाल करते हैं, नॉर्वे। ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे पीपल माइंड, ठीक है, तुर्की इस तरह इस्तेमाल होता है। मेरी इत्तेफाक की बात है, मेरी तुर्की से भी बात हुई है, अभी इत्तेफाक की बात है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी जो अभी इनसे बात हुई है तो उसमें ये कहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए। अगर लोग हमें विजिट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अब यहां पर मैं बात कर लूं आपसे कि ये आपको सर्विस देते हैं तकरीबन मंगल और बुध को, थोड़ा स्क्रीन पर देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ जाइए, ये देखिए ऑपरेटिंग आवर्स, मंडे को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप कलेक्ट कर सकते हैं पासपोर्ट एम्बेसी से। इसके अलावा ट्यूजडे को 11:30 से लेकर 2 बजे तक आप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हैं अपॉन प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट फिक्स है जिसके लिए आपको दे दिया गया है कि islamabad.kdmid.ru, अगर इस पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करवा लेते हैं
इजीली अवेलेबल है, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर आकर अपॉइंटमेंट अगर आपको होगी तो आप ट्यूसडे को अभी बुक करवा सकते हैं और वेनेसडे को भी करवा सकते हैं, और थर्सडे को जो है ओनली रशियन नेशनल्स है अपॉन प्रेयर नोटिस, तो वो आप नहीं है। आपके लिए कौन सा दिन है? मंगल का। देखें दिमाग में रखें, मंगल का और बुध का दिन आपका है, ठीक है। अब जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या आप ऑफिशियल बंदे हैं तो आपको वीजा चाहिए नहीं है, आप 90 दिन तक रशिया में रह सकते हैं, नो नीड, आप वो है नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए। हाउ टू अप्लाई, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कुछ लोग इतराज भी करते हैं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप। बात यह है कि भाई जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको जुबानी या दिल की बातें नहीं सुनाता, मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि किस तरीके से तमाम काम होता है। ये देखिए हाउ टू अप्लाई के अंदर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है ना, वीजा फीस, ठीक है, ये आपको मिल गया। फिर वीजा फीस है आपके इंटरेस्ट इसी में था, इसी पे आ जाता हूं। अगर आप सिंगल एंट्री वीजा मांगते हैं तो 22,560 जो है इसकी फीस है। अगर आप अर्जेंट मांगते हैं सिंगल एंट्री वीजा तो 45,000 हो जाएगी फीस। इशू है वो आपका हो जाएगा वीजा 1 से 3 दिन के अंदर। इस तरीके से डबल एंट्री वीजा है, इसके अलावा अर्जेंट डबल एंट्री वीजा है, इसके अलावा मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसके अलावा अर्जेंट मल्टीपल एंट्री वीजा है, जो कि आप कई दफा उसमें आप एंटर हो सकते हैं रशिया के अंदर, आपको फीस दे दी गई है। फिर आप कहते हैं जी वो टूरिस्ट वीजा भी अवेलेबल है, ये देखिएगा। टूरिस्ट वीजा पे बात कर लेते हैं। टूरिस्ट वीजा का मामला ये है कि टूरिस्ट वीजा के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को जेन्युइन लोग चाहिए, ठीक है, हमें भी जेन्युइन लोग चाहिए। आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग हो, कंफर्म पेड होटल बुकिंग हो, पेड का मतलब होता है पैसे दे चुके होटल बुकिंग, ठीक है, कंफर्म एयरलाइन टिकट हो, पैसे दे चुके की पैकेज, और अगर आपके पास पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा ना फ्रॉम रशिया एनी ट्रेवल एजेंसी, तो वो आपको एक लेटर भी देती है जिसमें कहता है कि जी हमारे पास आ रहा है और इसका पूरा टूर बुक है, कपल का बुक है, फैमिली का बुक है, चार बंदों का बुक है, एक आदमी का बुक है, वो आपको ले लेंगे और वीजा मिल जाता है, कोई शक फिर उसमें नहीं रहता अगर आपको रशिया से बुलाया जा रहा है और आप बुक करवा के मंगवा लें। ये उन लोगों के लिए नहीं है, याद रखिएगा, हमारे पास तो खैर उन लोगों का काम ही नहीं है जो लोग कहते हैं कि पहले मुझे वीजा दे दें पैसे बाद में। तो ये आप समझते हैं कि अम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स और हम ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं करते जो लोग कहते हैं कि जी आप हमारा वीजा इशू करवा दें और हमारा वीजा टेबल पर रख दें, फिर हम वो वीजा लेके चले जाएंगे, फिर हम उस वीजे को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हमारा दिल अगर किया तो आपको पेमेंट कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो कोई भी सड़क छाप ट्रैवल एजेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, सड़क छाप जो अपने आप को बरसात में मेंढक नहीं कहलाते, इस किस्म के जो लोग होते हैं ना जो 6 महीने के लिए आपके पास सामने आते हैं कि जब हम रशिया का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जो पैसे लेके भाग गया 15 लोगों के 20 लोगों के सबके लिए पैसे लेके भाग गया, तो उनको पैसे मिल भी जाते हैं आप लोगों से, ठीक है ना, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। हमसे अगर बात करनी होगी तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने एडवांस में होटल पूरा ले लेना है, टूरिज्म के पूरे पैसे देने हैं, टिकट खरीदना है, पेमेंट देनी है पहले से, वीजा लगने से पहले टिकट ओरिजिनल खरीद के रखना है, ये तमाम चीजें पहले करनी है, पैसे खर्च पहले होगा। तो अगर आप लोगों को बाद में पेमेंट करने का दिमाग है तो आप ना तो हमें फोन करें और ना ही आप रशियन एम्बेसी जाएं, ना उनको तंग करें, ना किसी एम्बेसी जाएं उन्हें तंग करें, कोई भी एम्बेसी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसने आपको वीजा देना है ना जेन्युइनली, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, जिसने आपसे पैसे लेने हैं और भागना है वो आपके पैसे, वो आपको जरूर बोलेगा कि पैसे बाद में आप दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, फिलहाल मुझे 50,000 दो। तो ये बातें आपसे हो सकती हैं। ये देखें, टूरिस्ट वाउचर होना चाहिए, होटल अकोमोडेशन कन्फर्म्ड एंड कन्फर्म और फुल पेमेंट, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, पढ़ो इसको, ठीक है। कॉपीज ऑफ एयर टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पुलिस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, ये सब चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, एंड कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, और साइज क्या होगा, तमाम चीजें लिखी हुई है, ये तमाम चीजें लिखी हुई है। प्राइवेट वीजा भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा बिजनेस वीजा आप ले सकते हैं। बिजनेस वीजा के लिए मैं क्लिक नहीं करूंगा, आप खुद कर लीजिएगा। बिजनेस वीजा के लिए ये है कि जिस इदारे के पास आप जा रहे हो, जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हो, उसके इनविटेशन मंगवा लो, खत्म बात हो गई, ठीक है, बाकी तमाम चीजें आपकी वही रहेंगी। ह्यूमैनिटेरियन का वीजा है, ये आप दरख्वास्त दे सकते हो, इस ह्यूमैनिटेरियन की बेस के ऊपर आपको वीजा मिल सकता है, इंसानियत की बुनियाद के ऊपर, ठीक हो गया। इसके बाद वर्किंग वीजा है, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियो कर चुका हूं पहले भी, आप क्लिक कर सकते हैं इसके ऊपर, आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी कि आप लोगों ने अगेन वहां पर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है एडवांस के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और उस जो पासपोर्ट है 6 महीने से कम का वैलिड नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए, और आपका कन्फर्म
वहाँ से जो अपॉइंटमेंट है वो आया हुआ हो तो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट विद होस्ट कंपनी जो को बुला रही है, HIV का टेस्ट होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें जमा करवा दीजिए। जमा कराने का मामला वही है। ट्रांसिट वीज़ा आप कहीं और जा रहे हैं, रास्ते में आप लेना चाहते हैं स्टेटमेंट तो वो आप ले सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा का एडमिशन हो रहा है तो ये भी आपको तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट लगभग वही हैं, आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को मैंने फीसें बता दी हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप किस तरीके से बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, ट्रांसिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। बाकी मजीद मालूम डिटेल में जाना हो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के वो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें इकट्ठे कर लीजिए और इस्लामाबाद एम्बेसी में रब्ता कर लीजिए, अपनी तमाम डॉक्यूमेंट का PDF फॉर्मेट बनाइए, इस्लामाबाद एम्बेसी को भेज दीजिए, अपॉइंटमेंट आपकी हो जाएगी, दे विल कॉल यू, दे विल इंटरव्यू, दे विल टेक यू अमाउंट, ठीक है ना, अपनी पैसे वो चार्ज करेंगे आपसे, अपनी फीस चार्ज करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन ऑर्डर करके जमा करवाने हैं, ठीक है। विजिट वीजा को अगर श्योरिटी से लेना है तो उनको हो सके तो कंफर्म होटल बुकिंग, कंफर्म होटल वाउचर कम से कम जरूरी है। अगर आप पूरा का पूरा टूरिज्म पैकेज ले लेंगे, अगर कपल जा रहा है, फैमिली जा रही है, दो चार दोस्त जा रहे हो, दो दोस्त जा रहे हो तो वही ले मंगा लो, थोड़ा महंगा पड़ता है मगर वीज़ा मिल जाता है, ये चीज़ होती है। और रशिया में अगर आप जाते हैं वर्क वीज़ा के लिए तो वर्क वीज़ा ही लो, अगर बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो इन्विटेशन मंगवाओ, अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो फिर टूरिज्म पैकेज देकर टूरिज्म ही खाली करो, ठीक है ना। ये ना हो कि आप मुझे फिनलैंड के बॉर्डर पे या बेलारूस के रास्ते पोलैंड के बॉर्डर पे या कहीं और लटके हुए हों और वो आपको बोल रहे हो कि जी आपको हम टापने नहीं देंगे, ये काम मत करना, इसी बात से वो नाराज़ हैं, ठीक है। मेरी बहुत डिटेल से बात हुई है, मैंने आपको कोई नहीं बताया कि उन्होंने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन वो मुझसे बहुत मुझे तो बुलाया है, सच्ची बात है, मुझे तो उन्होंने बुलाया है, कहते हैं आप तो विजिट करें, ठीक है ना। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जी आप ज़रूर जाएं क्योंकि वहाँ जंग लगी हुई है, हर जगह मिसाइल गिर रहे हैं, तो अच्छा है कि आप ख़त्म हो जाएं। ये आप लोगों का दिमाग है, ये आप लोगों की सोच है, मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। और जो चीज़ें आप, क्योंकि ये जो आपने कमेंट्स किए हैं ना, इनका जवाब मैं रशिया ही जा कर दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं बहुत बिजी हूँ। जो अगला महीना आ रहा है सितंबर का, मेरा पूरा बुक है, पूरा महीना मेरा टूरिज्म का है, टूरिज्म नहीं करना चाहिए मुझको, मतलब ग्रुप पैकेजेस का है, टूरिज्म से मुराद ये कि मुझे मैनेज करना है और काम भी है मुझे, तो मैं चार मुल्कों में जा रहा हूँ सितंबर के अंदर, तो मैं नहीं अवेलेबल, वरना मैं यकीन जानिए कि मेरे पास सितंबर में अगर खाली महीना होता तो मैं रशिया ही जाता, ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैंने एम्बेसी को बोला है कि आप मेरे लिए ग्राउंड बना के रखें, इंशाल्लाह आई विल विजिट रशिया। मुझे इसमें कोई सरोकार नहीं है कि मुझे फलां मुल्क भी वीज़ा नहीं देगा और फलां नहीं देगा और ये एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये अगली वीडियो हमारी जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस पर मजबूर नहीं करेंगे, मुझे आप कनाडा पे वीज़ा करने देंगे वीडियो, और इंशाल्लाह उसके बाद जो अगली वीडियो है वो मेरी यूरोप के लिए बनी हुई है वो मुझे आप करने देंगे, और इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाइड कॉन्टेंट जो है वो मैं देने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं किसी एक कंट्री का प्रमोटर नहीं हूँ, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हुए, वो मुझसे उल्टा तंग ही होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी मालूमात के लिए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, तो ये मेरे आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होगा जो आप मुझे देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का लाइक चाहिए, आप लोगों का सब्सक्राइब चाहिए, और आप लोग अगर शेयर करेंगे तो लोगों को ऑथेंटिक मालूमात मिलेगी, ताकि उनके दिमाग कम अज़ कम ठीक तो हों इस हवाले से कि अप्लाई कैसे करना है, कहां से अप्लाई करना है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं। किसी एजेंट के हाथ में चढ़ जाना, किसी के हाथ में फंस जाना, अपनी प्रोसेसिंग करवाइए, अप्लाई कीजिए, खुद कीजिए, किसी से करवाइए, लेकिन ऑफिस देख करके, लाइसेंस देख करके, तमाम चीज़ें देख करके, पैसे बाद में, पैसे पहले, पैसे आखिरी में नहीं होता, सही जगह से काम करवाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।